सर्गम पश्यूत ये प्रबोधसमे स्वात्मा श्रीपूर्णानंदतीर्थस्फुरदमृतकवि विप्रुषाप्लावितः नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमसां ब्रह्मभावं गतां किं त्वेषाभूतधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमनुभा तामनुव्यञ्जयामः। ॐ स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक माली जब अपने पौधे को मन के मुताबिक बनाना चाहता है तो उसके बीज में भी संस्कार करता है, धरती में भी खाद देता है, सिंचाई भी करता है, छटाई भी करता है, छिड़काव भी करता है, तब पौधा अपने मन के अनुसार बनता है। माँ बाप अपने बच्चे को यदि अच्छा बनाना चाहते हैं तो गर्भ में बच्चा आता है तब भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि माँ के मन में ज्यादा काम की, क्रोध की, लोभ की भावना न आवे, उद्वेग न हो, उत्तेजना न हो, नहीं तो डरे नहीं, नहीं तो बच्चे के शरीर पर उसका असर पड़ेगा और माँ सावधान रहती। जब बच्चा हो जाता है तो भी इस बात पर नहीं छोड़ा जाता कि अपने आप ही नाल इसका अलग हो जाएगा, नाल उसका अलग किया जाता, इस बात पर भी नहीं छोड़ देते हैं कि ये अपने आप ही दूध पीने लगेगा, उसको गोद में लेकर दूध पिलाते हैं। तो ये जो मनुष्य का जीवन है वो कोई जंगली घास की तरह छोड़ देने के लिए नहीं है, ये एक अच्छे बगीचे में अच्छे माली के द्वारा जैसे पौधे का विकास किया जाता है वैसे ये जीवन विकसित करने के लिए है। ये उद्देश्य ही निकम्मे लोगों की उन्नति के लिए ये जीवन नहीं है, ये तो कुछ ठीक ढंग से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्साह पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए है। हमारे एक मित्र हैं, वो आजकल प्रयोग कर रहे हैं कि गुलाब के पौधे को बड़े पेड़ के रूप में कैसे परिणत किया जाए, उनका चल रहा है। उन्होंने गुलाब के पौधे लगाए हैं, उनके भीतर बड़े बड़े पाइप लगाए हैं, पाइप कि उनकी जो जड़ें हैं तो पाइप में हल्की खाद है, उसमें नमी है कि गुलाब की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे पाइप के रास्ते से यदि बहुत गहराई तक जाएंगे तो ऊपर उनका पौधा भी बहुत ऊंचाई तक बढ़ेगा। प्रयोग कर रहे हैं। देखो जापान में बड़ के पेड़ को गमले में रख करके हम बढ़ने न दें और हमारे कमरे में बड़ का पेड़ बना रहे, इसके लिए प्रयास किया गया है। बड़ के पेड़ को गमले में रखा जाता है, उसकी जड़ को नीचे नहीं जाने देते हैं, काट देते हैं, सिंचाई करते हैं। तो जैसे एक बीज से पैदा हुआ पेड़ पौधा होता है वैसे ही एक बीज से पैदा हुआ ये मनुष्य का जीवन भी होता है। संस्कृत भाषा में
बीज और जीव, आप जरा शब्द के सादृश्य पर ध्यान दो, एक सरीखे शब्द हैं दोनों, व ई ज और ज ई व, एक ही शब्द को जब हम सीधे रखते हैं तो उसका नाम बीज होता है, उसी को दूसरी ओर से रख देते हैं तो जीव हो जाता है। माने पेड़ पौधों का बीज की प्रधानता से विकास होता है और चैतन्य का जीव की प्रधानता से विकास होता है। हम संस्कृत के शब्दों की ज्यादा व्याख्या तो नहीं करना चाहते, परंतु इन दोनों की बनावट में भी ये बात है। व जो है, व का उच्चारण अंतस्थ है, यरलवा अंतस्था, य र ल व, इनका उच्चारण भीतर से होता है। और पुपु पद्मानिया नाम ओष्ठव, पवर्गी जो ब है उसका उच्चारण बाहर से होठ से होता है, ब ब बोलेंगे तो होठ पर जोर पड़ेगा और व बोलेंगे तो भीतर जोर पड़ेगा। संस्कृत भाषा में प्रत्येक अक्षर के बारे में ये विचार है, किस स्थान से वो बोला जाता है और उसको बोलने में कितना प्रयत्न करना पड़ता है। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, विवार, संवार, किसके बोलने पर मुंह खुल जाता है, किसके बोलने पर मुंह बंद हो जाता है, ये सब एक एक अक्षर के बारे में एक लघु कौमुदी का विद्यार्थी भी इस बात को पहले पढ़ता है। तो जीव शब्द में जो व है वो भीतर होता है, माने जीव भीतर की वस्तु है, और बीज में जो ब होता है वो बाहर की वस्तु है, बहिष्ठ है। तो बाहर के बीज से उसका संस्कार करके अनुकूल भूमि में, अनुकूल परिस्थिति में, अनुकूल वातावरण में, गर्मी का पौधा वहां बोना चाहिए जहां गर्मी पड़ती हो, सर्दी का पौधा वहां बोना चाहिए जहां सर्दी पड़ती हो, किसके लिए करेली मिट्टी चाहिए, किसके लिए बलसुंदरी मिट्टी चाहिए, मिट्टी के भी बहुत सारे भेद होते हैं। तो जैसे बीज के विकास के लिए, उसको बीज के फटने के लिए, आपको शायद मालूम नहीं हो या मालूम हो तो बहुत बढ़िया बात है, कई बीज ऐसे होते हैं जो धरती में डालने पर उगते नहीं है, उनको पहले हल्के पानी में गर्म कर लिया जाता है और उनका छिलका जब गर्म हो जाता है तब धरती में बोते हैं, तब अंकुर निकलता है, नहीं तो छिलका इतना कड़ा होता है कि उसमें से अंकुर निकल ही नहीं पाता। ये भी शायद आपको मालूम होगा कि 2000 बरस से जौ के बीज ठंड में, बर्फ में पड़े हुए थे और उनमें अंकुर नहीं निकला, लेकिन जब उनको अमुक तापमान में, गर्मी में लाया गया तो उनमें अंकुर निकल आया। साइबेरिया में ऐसे जौ मिले। देखो अमेरिका में एक स्त्री का ऑपरेशन करने के लिए उसको बेहोश किया गया, तो उसका तापमान इतना कम कर दिया गया कि रक्त एकदम ठंडा हो गया, उसकी चेतना का लोप हो गया, बेहोश हो गई, ऑपरेशन कर लिया गया। उसके बाद अमुक डिग्री की गर्मी में जब उसको रख दिया तो फिर से रक्त का संचार हो गया, फिर से दिल चलने लगा, फिर से जीवित हो गई। तो ये जैसे संसार के बीजों के विकास की प्रणाली है, चेतना के विकास की प्रणाली है, वैसे हमारे शरीर में जो चैतन्य है उसको भी विकसित करने की, उसको भी ऊपर उठाने की, उन्नत करने की, उसके भी फैलाव की, विस्तार की एक प्रणाली है कि हम अपने जीव चैतन्य को कैसे ब्रह्म से एक कर दें, परमात्मा से एक कर दें। अच्छा, परमात्मा और ब्रह्म का नाम कोई न लेना चाहे तो उसको ऐसे बोलो कि अपने जीवन को पूर्ण कैसे बना लिया जाए। आपने सुना होगा, जाना होगा कि जैसे आत्मा की प्रधानता से की जाने वाली साधना में
पूर्ण अहंता का प्रस्फुटन होता है, वैसे भक्ति भी पूर्ण अहंतामयी होती है और उसमें भी पूर्ण अहंता का प्रकाश होता है। अहम परिच्छिन्न रूप में ही नीचे गिरता है, अहम परिपूर्ण रूप में कभी नीचे नहीं गिरता है, ये उसकी मर्यादा है। तो देखो कुल का मतलब ये है कि जैसे माली पौधे का विकास करता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चे का विकास करते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन को विकास की ओर, प्रकाश की ओर ले चलना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। परमहंस रामकृष्ण ने कहा कि जब पौधा लगाते हैं तो उसके चारों ओर एक बाड़ लगाते हैं, कांटे की, तार की, उसको सुरक्षित करते हैं। जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तब उस बाड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं, तब वो स्वयं अपनी उन्नति करता है, अपना विकास करता है और दूसरों के लिए सहारा बनता है। जहां पहले ये डर होता है कि कोई पशु आके, भैंस आके, बैल आके, ऊंट आके उस पौधे को नुकसान न पहुंचा जाए, वहां जब वो पौधा बड़ा होता है तब ऊंट, बैल, भैंस सब उसके नीचे बैठ करके विश्राम करते हैं। इसलिए अपना जीवन उपेक्षा करने योग्य, लापरवाही करने योग्य अपना जीवन नहीं है, इसको ठीक ढंग से चलाना मनुष्य का कर्तव्य है। अब एक दूसरी बात सुन, आजकल तो साइंस का, विज्ञान का युग है और जो लोग अंग्रेजी पढ़ लेते हैं वो समझते हैं कि हमारे सिवाय और किसी को विज्ञान आता नहीं है। विज्ञान भाषा की वस्तु नहीं है, विज्ञान तो एक प्रायोगिक ज्ञान है जो अंत प्रतिभा से स्फुरित होता है और जो प्रयोग से प्रमाणित होता है। उसका कोई किसी एक भाषा से संबंध हो ऐसा सोचना तो बिल्कुल गलत है। तो अब आप देखो कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये क्या प्रकृति पर छोड़ देने योग्य है कि जो होए सो होए, जैसा होए वैसा होए, ऐसे छोड़ देने योग्य है? इस पर आप विचार करो। आजकल तो जितने साइंस के प्रयोग हैं, अभी मच्छरों पर प्रयोग हो रहा है, माने अमुक चीज मच्छरों को खिलाते हैं और फिर देखते हैं कि उससे इनकी प्रजनन शक्ति कितनी बढ़ती है कितनी घटती है। फिर चूहे को खिलाते हैं, खरगोश को खिलाते हैं, अमुक वातावरण में रखते हैं। अभी कहीं महाराज योगासनों का प्रयोग हो रहा है, अखबार में पढ़ा मैंने, तो ट्यूब में चूहों को उल्टा करके रख देते हैं, तो शीर्षासन करने का चूहे पर क्या असर पड़ता है? ये साची बात है, हो अखबार में पढ़ा, चूहे ट्यूब में उल्टा करके रखे जाते हैं कि शीर्षासन करने से उनके शरीर पर क्या असर पड़ता है। और इसी तरह उनके लिए मयूरासन का भी प्रयोग होगा, गर्दभासन का भी प्रयोग होगा, उष्ट्रासन का भी प्रयोग होगा, माने दूसरे पशु की तरह यदि उनको रखा जाएगा तो उसके शरीर पर क्या असर पड़ता है और उसका अध्ययन करके फिर मनुष्य के शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये निश्चय किया जाएगा। तो भाई मेरे, ये जो मनुष्य का शरीर है वो और पशुओं पक्षियों के शरीर से और पौधों के शरीर से थोड़ा अलग है, विलक्षण है। आप देख लो दुनिया में, जैसे ये ऊर्ध्वमूल मधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जिसकी जड़ ऊपर है और हाथ पांव मूत्रेंद्रिय आदि शाखाएं नीचे को लटकी हुई हैं, ऐसा शरीर दुनिया में कोई है? ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, जड़ ऊपर की ओर है और शाखा नीचे की ओर है। देखो पेड़, पेड़ की जड़ नीचे होती है और शाखा ऊपर होती है। इसका अभिप्राय आप देखो, प्रकृति आपको बता रही है। साइंस प्रयोगशाला में गए बिना अपने आप जाहिर हो रहा है।
कि पेड़ पौधे का जो विकास है उसमें प्रकृति स्वयं अपनी ताकत देती है, उसको ऊपर को उठाती है। एक बीज धरती में गाड़ो और पौधा उसका ऊपर जाएगा। देखो एक पशु है, पेड़ नीचे खाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, और पशु पक्षी आगे की ओर खाते हैं, उनका भोजन पीछे की ओर जाता है, फिर जक स्रोत उनको बोलते हैं, और पेड़ पौधों को ऊर्ध्व स्रोत बोलते हैं। ये हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु मनुष्य को अधः स्रोत बोलते हैं। ये ऊपर खाता है और नीचे की ओर जाता है, माने प्रकृति के राज्य में प्रकृति स्वयं जीव को जितना बढ़िया शरीर दे सकती थी, जितना ऊंचा उठा सकती थी, उतना प्रकृति ने ये मनुष्य शरीर दिया है और उतना ऊंचा उठाया है। अब यहाँ आकर एक द्वार प्राप्त होता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेही परलोक संवारा। ये मनुष्य का शरीर चूहे के शरीर की तरह नहीं है, न भालू के शरीर की तरह है, न शेर गधे के शरीर की तरह है, इसकी बनावट बिल्कुल निराली है। प्रकृति ने कहा कि बस यहाँ तक मैं उठा सकती हूँ, अब इसके ऊपर यदि तुम्हें उठना हो, प्रकृति राज्य पर विजय प्राप्त करना हो, तो तुमको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं जो प्रकृति का सिरा है, और वहाँ से एक बार उछलें, एक बार छलकें, तो संसार के राज्य से बाहर परमानंद पूर्ण आनंद के साम्राज्य में, पूर्णता के साम्राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। कि यदि एक बार इस मनुष्य शरीर से छलक पड़े, उछल पड़े, ना हम देह चिरात्मा निर्द्वितीयो वियद बहु, मैं देह नहीं हूँ, ना हम देह चिरात्मा मैं स्वयं प्रकाश चैतन्य स्वरूप हूँ, निर्द्वितीयो वियद बहु मुझ में कोई दूसरा नहीं है, मैं आकाश शरीर हूँ। उड़िया बाबा जी महाराज बोलते थे, आकाश कोश तनवो तनवो महांतर। एक पौधा अपने को आकाशवत अनुभव नहीं कर सकता, एक चूहा अपने को आकाशवत नहीं अनुभव कर सकता, एक बैल अपने को आकाशवत अनुभव नहीं कर सकता, एक ऊंट एक गधा अपने को आकाशवत नहीं समझ सकता। ये मनुष्य का शरीर अपनी क्षुद्रता का अनुभव करने के लिए नहीं, क्षुद्र में लीन होने के लिए नहीं, पूर्णता का अनुभव करने के लिए और पूर्ण से एक होने के लिए प्रकट हुआ है। ये मनुष्य शरीर जिसमें अंतःकरण है, ऐसा चैतन्य प्रतिबिंबित होता है इसमें, शुद्ध बुद्ध मुक्त। हम गौर करके देखेंगे तो हम कहीं बद्ध नहीं है, कहीं आसक्त नहीं है, कहीं परिच्छिन्न नहीं है, पर ये बात तो सत्संग से मालूम पड़ेगी। पहली बात यह है कि हमें इस मनुष्य जीवन में अपनी संपूर्ण उन्नति करने के लिए प्रयास करना चाहिए, हमको घास फूस की तरह अपना जीवन नहीं छोड़ देना चाहिए कि चाहे इसका जो हो जाए। जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, देखो ब्रह्म होने का उद्देश्य यदि उसको हम बहुत साधारण भाषा में बोलें तो ये होता है कि वृद्धि का उद्देश्य। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में वृद्धि, निरतिशय वृद्धि, हम इतना बढ़ें इतना बढ़ें इतना बढ़ें कि उससे अधिक और कुछ न हो, उसके सिवाय दूसरा और कुछ न हो, उससे बड़ा और कुछ न हो, निरतिशय निरुत्तर, जिसके बाद और नहीं, ऐसी वृद्धि ऐसी उन्नति ऐसा विकास प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आप अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं कि वो जैसा पैदा हुआ है वैसे ही रहे? क्यों जी, देखो दोनों बात करी जाती है, उसकी पुष्टि भी हो और उसके रोग आदि जो है वो दूर भी हो, माने उसकी उन्नति में जो प्रतिबंध है, रुकावट है,
अड़चन है, अनास है, उसको हम दूर करना चाहते हैं और उसकी उन्नति के लिए जो पौष्टिक है वो हम उसको खिलाना चाहते हैं। हम स्पष्टम स्पष्टम घोषणा करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा ये जीवन चल रहा है वैसा चलने दो, वो तो जैसे कोई शराब के नशे में पनाले में गिर जाए और कहे कि मैं बड़े आनंद में हूँ, स्वर्ग का साम्राज्य अनुभव कर रहा हूँ। जो लोग इस संसार में इस जीवन में अपनी उन्नति की इच्छा नहीं करते, उनकी दशा वही है जो पनाले में पड़ के स्वर्ग का ख्वाब देख रहे हों, स्वर्ग का स्वप्न देख रहे हैं। हमारे गांव में एक देहाती कहावत है, कभी कभी देहाती बात भी सुनने के लिए, अलहदी, अलहदी माने आलसी, अलहदी गिरले कुएं में तो बोलले की भले बाटी। एक आलसी सज्जन कुएं में गिरे तो किसी ने कहा कि अरे भाई निकलो, बोले हम बहुत मजे में हैं, हम बहुत मजे में हैं, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लोग प्रमाद में पड़ गए हैं, आलस्य में फंस गए हैं, मोह ममता से जिनकी अक्ल दुनिया में फंस गई है, जो देह में देह के अहंकार में डूब गए हैं, उनको अपनी उन्नति की फिक्र नहीं होती है। देखो दुनिया की बाहरी चीजों में बंधना एक बात, दुनिया के लोगों में बंधना दूसरी बात, अपने शरीर में बंधना तीसरी बात, और अपनी मनोवृत्तियों में फंसना चौथी बात, और अपने विचारों में उलझ जाना ये छठी बात, पांचवी बात, और अपनी व्यक्तिगत स्थिति को ही सर्वोत्तम मान लेना ये छठी बात। आप ध्यान दो इस बात पर, जब दवा दारू करनी होती है ना, आयुर्वेद या डॉक्टर का काम होता है, तो डॉक्टर वैद्य कहाँ गलती करते हैं, वो कहते हैं कि इस जड़ी में, इस बूटी में, इस दवा में ये गुण है और तुम्हारी बीमारी पर ये फायदा करेगी, बस फंस गए। उनको पहले शरीर की जांच करनी पड़ती है, अच्छा डॉक्टर वही होगा ना जो शरीर में देखेगा विटामिन कौन से पूरे हैं कौन से अधूरे हैं, वही शुगर कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, यूरिया कितना, हमारी तो जांच होती रहती है ना। यदि हमारे व्यक्तिगत शरीर के बारे में तुम्हारी जानकारी नहीं है, हमारे पात कफ पित्त को तुम नहीं जानते हो, तो बाहर की दवाओं का जो गुण है उसकी कल्पना हमारे लिए नहीं है। एक देखो इसमें वेदांत का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत इसमें क्या है, वेदांत का सिद्धांत यह है कि एक व्यक्ति की अपेक्षा से ही वो दवा है, सबकी दृष्टि से वो दवा नहीं है। एक के शरीर में जाके वो नुकसान करेगी, एक के शरीर में जाके फायदा पहुंचावेगी, तो वो चीज क्या है, वेदांत का सिद्धांत है, अनिर्वचनीय है, न उसमें नुकसान है न उसमें फायदा है। एक आदमी के लिए उसमें नुकसान है तो एक आदमी के लिए फायदा है, तो उसमें दोष भी है गुण भी है। यदि हम उस वस्तु में केवल गुण ही गुण देखें कि ये राम बाण अमोघ औषध है, चाहे जिसको उठा के दे दिया, तो कभी कभी किसी को बहुत नुकसान भी उससे पहुंच सकता है। तो जो लोग अंगूर को बहुत बढ़िया समझ के खाते हैं, गेहूं को बहुत बढ़िया समझ के खाते हैं, चावल को बहुत बढ़िया समझ के खाते हैं, वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लेते हैं। असल में देखना यह है कि हमारे शरीर के लिए लाभकारी क्या पदार्थ है व्यक्ति की दृष्टि से, इसको धर्म में क्या बोला जाता है, अधिकारी का विचार हो। वेदांत की दृष्टि से अनिर्वचनीय है, और किसके लिए कौन सा साधन फिट बैठेगा और उसकी उन्नति का कारण बनेगा, अच्छा ये बात अधिकारी का विचार, इसको वेदांत में बोलते हैं, साधन में अधिकारी का विचार बोलते हैं। अच्छा, जिसकी कर्म करने में, कर्म के खटपट में जिसका अधिकार है,
का उसको खूब बढ़िया यज्ञ जागादि नियंत्रित कर्म उससे करवाना चाहिए। जिसका शारीरिक अभ्यास में अभिप्राय है उनके लिए आसन प्राणायाम आदि है। जो अपने मन को प्रेम से भरना चाहता है उसके लिए भक्ति भावना है। जो अपने मन को विक्षेप से बचाना चाहता है उसके लिए योगाभ्यास है। जो विचार को उत्तेजित करना चाहता है उसके लिए सांख्य का विचार है। जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है उसके लिए पूर्णता का अनुभव करने के लिए वेदांत का विचार है। कहने का अभिप्राय ये है, उसमें भी चाहने वाला होए, सामर्थ्य उसका ठीक होए, समझदार होए और कोई उसको मना न कर रहा हो। आप ये मत समझो कि आपको एक ने कह दिया, एक बड़े श्रद्धे पुरुष ने कह दिया कि आप ओम का उच्चारण मत करना। आपने कहा नहीं नहीं, ओम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में इसकी महिमा भरी हुई है, हम तो यही करेंगे। तो वो जो एक बच्चे ने आपको कह रखा है कि ओम का उच्चारण मत करना, उस आज्ञा का वो फल होगा कि आप आपकी वासना में अवरोध उपस्थित करता है। आप अपनी वासना के अनुसार किसी दवा से या किसी शब्द से क्या चाहते हैं, अच्छा, और उसको पाने की ताकत अपने अंदर है कि नहीं, ये दूसरी बात मालूम पड़नी चाहिए। और जो साधन हम कर रहे हैं वो और जो हमारा उद्देश्य है वो दोनों में कोई संबंध पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि कहीं से इसमें रुकावट तो नहीं आती है। एक हमारे मित्र हैं, 20-25 वर्ष के, दिल्ली में मित्र तो हैं हमारे 30-35 वर्ष के और साधना करते हैं उससे भी पहले से, 40 वर्ष से वो साधना में लगे हैं। अच्छा, पहले तो धन उनके पास बहुत था, रुपया पैसा बहुत था, तो मौज में आके बैठते थे और तफरी में, ये बड़े लोग धनी लोग जो है ना वो कहते हैं जैसे जीवन में और बहुत सारे काम करते हैं वैसे आओ थोड़ी देर इसको भी कर लें। तो तफरी करने के लिए वो भजन करते थे, किसी ने उनको बता रखा था। तो उस समय वो कहते थे कि हमको धन नहीं चाहिए, हमको जन नहीं चाहिए, हमको शरीर नहीं चाहिए, हम तो बिल्कुल निष्काम भाव से इसका जप करते हैं। तो महात्मा ने बिल्कुल ठीक उनको बता दिया था। अब महाराज ईश्वर की कृपा से धन नहीं रहा, परिवार में भी वैमनस्य हो गया, उनका कोई मददगार नहीं, वृद्ध हैं ये लोग, पहचानते हैं हमको, हमारे पास बारंबार आते हैं। अब वो उस मंत्र का जप करते हैं जो हमको धन से छुड़ाकर परमात्मा में लीन करने लगा, उस मंत्र का जप कर, और मन में धन पाने की इतनी तेज वासना है, इतनी तीव्र वासना है धन पाने की कि वो ठीक ठीक नींद नहीं ले सकते। लेकिन वो साधन वही करते हैं जो दुनिया से छुड़ाकर लय अवस्था में ले जाने वाला है। तो अब आप देखो, वो चाहते हैं धन और सामर्थ्य उनमें समाधि लगाने का है नहीं, साधन साध्य भाव को संबंध को समझते नहीं, खुद समझते नहीं है, दूसरे की मानते नहीं है। मना करने पर भी वो वही लंबी ओंकार की ध्वनि और समाधि। अब भला बताओ, चाहते तो हैं धन और लगाते हैं समाधि, तो समाधि में से क्या सोना चांदी बरसेगा? वो तो निवृत्ति का मार्ग है ना, वो तो निवृत्ति का मार्ग है। इसलिए अधिकारी के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो आप एक बात और देखो, ये असल में दुनिया में लोग कहते हैं कि गुड़ बहुत मीठा लगता है, रसगुल्ला खाने में बहुत स्वाद आता है, तो ऐसे ये साधन भी कोई रसगुल्ले की तरह है, कोई संदेश की तरह है, कोई चमचम की तरह है कि हम इसको खा लेंगे तो हमको बड़ा स्वाद आ जाएगा, बड़ा आनंद आ जाएगा। ये जैसे द्रव्य के संबंध में अच्छे बुरे होने की धारणा गलत है, तिब्बत के लिए दूसरी चीज अच्छी है और जर्मनी के लिए दूसरी चीज और रूस के लिए दूसरी चीज, अमेरिका के लिए दूसरी चीज,
गर्म देश में दूसरी चीज अच्छी होती है, ठंडे देश में दूसरी चीज अच्छी होती है, इस रोगी के लिए दूसरी, दूसरे रोगी के लिए दूसरी। ये तो जो लोग केवल वस्तु के गुण पर ही मुग्ध हैं, वो तो विचार का ही तिरस्कार करते हैं। इसी तरह साधना में भी जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं ये नहीं है कि चाहे नुमाइश बच्चू भाई ने किसी नुमाइश करने वाले को बुला दिया है और आपने 20-25 आसन देखे और बोले आओ इसमें से एक हमारे लिए बड़ा सुगम है, करने लगेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उस आसन से आप बहुत ऊंची उठ चुके हों और उस आसन को करने से आपको नीचे लौट करके आना पड़े। तो अपने मन से साधना का चुनाव नहीं होता, आप हमसे सीधी बात सुनो। ये जो लोग अखबारों में किताबों में पढ़ लेते हैं ना कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो सो करो, अच्छा तुम्हारी रुचि किसमें है? अरे हम भी पूछते हैं, दूसरे की बात नहीं, हम पूछ लेते हैं तुम्हारी रुचि किसमें है। लेकिन अगर तुम अपनी रुचि ही पूरी करते रहोगे जिंदगी भर, तो रुचि में रोक लगाने की ताकत तुम्हारे अंदर कहाँ से आएगी? मन को काबू में करने की, मन को नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे अंदर कहाँ से विकसित होगी? असल में दुनिया में जो तुम्हारी प्रियता है, जो रुचि है, जहाँ स्वाद है, जहाँ वासना है, वहां से हटाने वाली साधना चाहिए ना। तुम तो अपनी रुचि को पूरी करके अपनी वासना को ही पूरी करने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि उद्देश्य साधना नहीं करते हो। तुम्हारे जीवन में कोई उद्देश्य पाने के लिए और चलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहीं खास जगह पर पहुंचना चाहते हो तो खास रास्ते से जाना पड़ेगा। अगर कोई खास चीज पाना चाहते हो तो उसको पाने के लिए जो उपाय है सो करना पड़ेगा। ये नहीं कि चाहे जो करना हो। एक वैद्य थे महाराज, दवा करते थे। एक जानकार ने उनसे पूछा कि वैद्य जी आप कैसे दवा करते हो? तो बोले जस्य कस्य तरोर मूलम, चाहे जिस पेड़ की जड़ उखाड़ लेता हूँ, फिर बाद में जेन के न पीसता, और चाहे जो कुछ मिलाए के उसको पीस लेता हूँ, और फिर जसमय कसमय प्रदातव्य, चाहे जिस किसी को खिला देता हूँ। नतीजा बोले जदवा तदवा भविष्य, है ना, जो कुछ चाहे जो कुछ हो जाए, मरेगा तो कहेंगे तुमने बस परहेजी की, है ना, और जिंदा रहेगा तो कहेंगे अच्छा हो गया, हमारी दवा खा के अभी तक जिंदा है, ये कोई अदरत की बात है, अदरत की बात नहीं है। तो ये जो है जस्मय कस्मय प्रदातव्यम जद्वा तद्वा भविष्यति। तो जो लोग वस्तु के गुण में ज्यादा सहारा ले लेते हैं, क्रिया के गुण का ज्यादा सहारा ले लेते हैं, वो मनुष्य के अधिकार की परीक्षा नहीं करते हैं। अब देखो आपको एक बात और सुनाते हैं। वो क्या है कि आपके मन में जो वासनाएं हैं, वासना तो आप समझते हैं, जिनके मिलने पर हमको बहुत मजा आवेगा, ऐसा ख्याल है आपके मन। वासना माने, वासना माने इच्छा मात्र नहीं होता ना, इच्छा मात्र का नाम वासना नहीं है। जिस इच्छा की पूर्ति से हमको मजा मिलेगा, ये ख्याल है, उसकी वासना है। तो अब देखो वासना हमारे अंतःकरण में ड्राइवर की तरह रहती है। हमको वो चीज मिलने पर सुख मिलेगा, वो व्यक्ति मिलने पर सुख मिलेगा, वहां पहुंचने पर सुख मिलेगा, ये कल्पना करके जब हम अंतःकरण में बैठते हैं, तो वासना हमारे अंतःकरण में क्या करती है? आप लोगों का तो शायद वासना से ज्यादा मेल मिलाप ना हो। हम तो दिन भर अपनी दुकान में वासना के ही दृश्य सिनेमा देखते रहते हैं कि वो क्या क्या रूप ग्रहण करती है। वासना का नाच देखा जा सकता है। अच्छा देखो वो कहाँ ले जाती है? तो वासना पहले तो उस वस्तु को जिसको हम चाहते हैं उसको साकार बनाकर हमारे सामने खड़ा करती है मन में, और फिर उसको ग्रहण करने के योग्य हमारी इंद्रियों का आकार बदलती है। जैसे मांस खाने की वासना
हमारे अंतःकरण को गीत बना देती है और मांस का लाल लाल टुकड़ा दिखने लगता है और उसके बाद वो अंतःकरण का गीत मांस पर टूट पड़ता है और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारा अंतःकरण मांसमय बन जाता है या गीधमय बन जाता है, दोनों बात होती है। अच्छा, अब उसके समझ लो कि इसी दशा में ये शरीर छूट गया तो अंतःकरण तो तत्काल गीध और मांस के रूप में परिणत हो गया, अंतःकरण ही होगा, सप नहीं आवेगा उसका, अंतःकरण हमारा गीध और मांस के रूप में बदल जाएगा। इसलिए वासना चूंकि हमको जड़ता से एक करती है और धर्म योगाभ्यास और उपासना हमको जड़ता से एक होने में नियंत्रित करती है। देखो, सब काम मत करो, ये धर्म का काम करो, चाहे जो मत करो, ये अभ्यास करो, चाहे जो मत सोचो, मत सोचो, बिल्कुल निसंकल्प हो जाओ। तो जिस समय हम निसंकल्प होते हैं उस समय चेतनता के निकट होते हैं और जिस समय हम अपने मजे की वस्तु पाना चाहते हैं का उस समय हम जड़ता के निकट होते हैं। अंतःकरण का विषय से तादात्म्य होता है, विषय से एकता होती है वासना के कारण, और अंतःकरण की चेतना में चैतन्य में स्थिति होती है निर्वासनता के कारण, और धर्म और योग ये दोनों वासना को नियंत्रित, उपासना धर्म और उपासना ये दोनों वासना को नियंत्रित करने के लिए हैं। इसलिए साधना होती है धर्म और उपासना के द्वारा। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने वेदांत का खंडन तो बहुत किया है, कीचड़ खूब उछाला है, पर उनसे अगर पूछ दें कि तुम बताओ वेदांत का सिद्धांत क्या है, पहले एक बार अनुवाद कर लो, दोहरा दो हमारे सामने कि वेदांत का सिद्धांत क्या है, तब उसको खंडन कर लो। हम जानते हैं कि उन्होंने वेदांत परिभाषा भी नहीं पढ़ी है, पंचदशी का कभी दर्शन नहीं किया है, उन्होंने उपनिषद भाष्य का नाम नहीं सुना है और वेदांत पर कीचड़ उछालते हैं, खंडन करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। जो चीज वेदांत के ज्ञान में रुकावट डालने वाली है उसको ला करके सामने रख देते हैं। नारायण, तो ये जो रीति है वासनाओं को जहां से उठती है वहीं शांत करने की रीति एक साधना है, और वासनाएं जहां पूर्ण होती हैं वहां ले जाने की रीति ये दूसरी रीति है। तो आप देखो, अब पक्की बात सुना देते हैं, संसार में सम्राट होने की वासना भी विषय के पास ले जाती है और स्वर्ग में अप्सराओं के भोग की वासना भी विषयों के निकट ले जाती है, और योग होने पर हमको सिद्धियां मिल जाएंगी, ऐश्वर्य हो जाएगा, ये भी विषयों में ही ले जा करके मिलाते हैं। हम अमुक लोक में जाकर सुखी हो जाएंगे, ये भी विषय वासना के साथ ही मिलाना है। तो असल में वासना को पहले नियंत्रण में लेना, कायदे में लेना, मर्यादा में लेना, और बाद में निर्वासन अंतःकरण हो जाने पर उसको देखना, और वासना और अंतःकरण की उपाधि के कारण जो परिच्छिन्नताएं मालूम पड़ती हैं वो उसके दृष्टा स्वयं प्रकाश चेतन के साथ कोई संबंध नहीं रखते हैं, वो तो अखंड ही है। इस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना तो साधना के पक्ष में अपनी ओर देखना बहुत जरूरी है। अंतर्जामी ईश्वर भी अपनी ओर है और स्वयं प्रकाश आत्मा अपना आपा है, और इसकी पूर्णता तो बहुत ज्यादा विवेक और वैराग्य का आश्रय लेने पर आती है। अब देखो, हम आपको जीवन में साधना की बात सुनाते हैं। जीवन और साधना माने जीवन में साधना जरूरी है। देखो, एक सज्जन के घर में दो बालक थे, दोनों धूप में खेल रहे थे, तो एक को धूप लगी और बुखार आ गया, और दूसरा बालक भी उसी धूप में खेल रहा था लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, वो खेलता रहा।
तो ठीक है, धूप तो एक ही है, दो बच्चे पानी में तैर रहे हैं, एक को सर्दी लग गई बीमार पड़ गया और एक को सर्दी नहीं लगी बीमार नहीं पड़ा, एक की कफ प्रकृति है और एक की पित्त प्रकृति है, पित्त प्रकृति वाले पर पानी का असर नहीं पड़ा, सह गया वो, और कफ प्रकृति वाला जो है का उसको सर्दी हो गई। तो ये देखना है कि हमको, हम कफ प्रकृति के हैं कि पित्त प्रकृति के हैं, और अपने जीवन को हम पूर्णता की ओर ले जाना चाहते हैं कि नहीं। तो जिसकी पित्त प्रकृति होती है ना, उसको क्रोध ज्यादा आता है, बात बात में गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, और जिसकी कफ प्रकृति होती है उसके शरीर में लोभ ज्यादा होता है, और जिसके शरीर में वात अधिक होता है उसको दर्द ज्यादा होता है शरीर में, और बात किए बिना नहीं रह सकते। बातुल जो बोलते हैं ना, बातुल, ये बांग्ला में तो ये मुहावरा ही है कि इनको बात रोग हो गया है। तो बात रोग माने शरीर का वायु नहीं, बात करने का रोग बात करने का रोग, अब फराफर बोलने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी आप देखो कि वो आदमी किससे ज्यादा बात करना पसंद करता है, इससे भी प्रकृति का पता चलेगा। वो अपने से बड़े से बात करना पसंद करता है तो वहां तो कुछ नियंत्रण आवेगा, कुछ दबाव दबाव पड़ेगा, और अपने से छोटे से बात करेगा तो हुक्म देने में मजा आवेगा कि तुम ये कर लो ये कर लो ये कर लो। अच्छा, बराबरी से बात करेगा तो हंसी खेल की बात करेगा। ये अपनी प्रकृति का अध्ययन करना पड़ता है। तो अब ये जो साधन के मार्ग हैं, शुरू शुरू में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पंचायती साधन आपको सार्वजनिक साधन बताते हैं। सार्वजनिक साधन तो ये है कि भगवान के नाम का संबंध सार्वजनिक रूप से जोड़ लिया जाए, क्योंकि वो जिसका नाम है उसके साथ अगर कड़ी जुड़ी रहेगी, ये शुरू शुरू में आप यही समझो, तो वो क्या है ये जानने की इच्छा कभी आपके मन में होगी। तो ईश्वर का नाम, ईश्वर की चर्चा, ईश्वर के मंत्र का जप, ये पंचायती सार्वजनिक साधन है। अच्छा, और दूसरी बात ये होती है कि जो सत्य अहिंसा अस्तेय आदि सार्वजनिक धर्म है, सामान्य धर्म है, इनमें यथाशक्ति अपने को जोड़ना चाहिए। ये अपनी नजर से जो चीज बुरी है उससे आप बचें। हमको एक महात्मा ने, अब साधना की बात तो आपको 5 दिन और सुनानी है, तो ईश्वर की कृपा से आज आप कहेंगे कि साधना की कोई बात सुनाई नहीं। तो हमको एक महात्मा ने बचपन में बताया था कि देखो, दूसरे की नजर से अपने आप को तौलना ये तो संसार है। तब तो आप दूसरे की नजर से अपने को तौलते 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 कभी उनकी नजर से अच्छे बने, कभी उनकी नजर से अच्छे बने, कभी उनकी नजर से अच्छे बने, और एक की नजर से अच्छे बनेंगे तो दूसरे की नजर से बिगड़ जाएंगे। हम भगत हो जाएं तो वेदांती लोग कहेंगे गया खिलौने में, और वेदांती बन जाएं तो भगत लोग कहेंगे कि भ्रष्ट हो गया है। अच्छा, जोगी हो जाए तो धर्मात्मा लोग कहेंगे निकम्मा हो गया, और धर्मात्मा बन जाए तो जोगी लोग कहेंगे विक्षेप में पड़ गया। तो दूसरे की नजर से अपने को उतना अच्छा है ना, बने कि न बने उसको अलग छोड़ दें, और अपनी नजर से हम अपने को कभी गिरा हुआ न देखें। हम करेंगे चोरी और करेंगे व्यभिचार और करेंगे बेईमानी, तो दूसरे लोग समझे भले कि ये ईमानदार है, साहूकार है ना, सदाचारी है, परंतु हमको जो मालूम पड़ेगा कि हमने चोरी की, हमने व्यभिचार किया, हमने बेईमानी की, तो ये हमारा मैं उसके साथ भीतर ही भीतर जुड़ेगा। और तब जब हम अपनी नजर में नीचे हो जाएंगे तो दूसरे की नजर में ऊंचे भी हों तो वो हमारे साथ नहीं चल सकती,
वो लोग अखबार में नाम छपा सकते हैं, फूल की माला पहना सकते हैं, अभिनंदन पत्र दे सकते हैं, लेकिन वो उनका दिया हुआ कोई भी काम हमारे अंतःकरण के साथ जुड़ेगा नहीं। परंतु अपने अंतःकरण में हिंसा का भाव ना आवे, यहाँ देखो अपनी नजर से हम जब चोर हो जाएंगे, हमारे भीतर वाला जज जब कह देगा कि हाँ ये हमने कैसी बढ़िया, क्या सफाई से हमने चोरी की है, तो हम तो अपनी चतुराई को सोच सोच के खुश होंगे कि क्या चालाकी से हमने चोरी की है, किसी को पता नहीं लगा। लेकिन हमने चोरी की है ये जो हमारे मन में आवेगा ना, वही बेकार हो जाएगा और हम बिल्कुल ईश्वर के सामने, विश्व के सामने और अपने सामने चोर बन जाएंगे। इसलिए अपनी नजर में अपने को हीनता की ओर नहीं जाने देना, ये साधना का एक पक्ष है। तो साधना के पक्ष में दो चीजें हो, एक तो जो अपने अंदर बुराई आ गई है, हम निर्मल उज्ज्वल हीरा साक्षात स्वयं प्रकाश नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, इसमें जो दुर्भावना आ गई है, हीन भावना आ गई है, हम जीव हैं, हम जीव नहीं हम चोर हैं, है ना, ये जो हीन भावना आ गई है इसके निवारण के लिए अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा के जीवन के ज्ञान की आवश्यकता है। और हम जो असहाय हैं, हमारा कोई मददगार नहीं है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला नहीं है, भलाई करने वाला हमारा नहीं है, वैसे जो मनोमुखी लोग हैं, गुरुमुख लोग नहीं है, उनको भगवान का आश्रय लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक तो पहली बात यह है कि ईश्वर के साथ मन की कड़ी जुड़ी रहे, इसके लिए नाम का जप करना और अपनी नजर से जो बुरे काम हैं उनको नहीं करना। और किसी के बारे में भी एक अनुभव की बात आपको सुनाता हूँ। आज दुनिया में बड़े मशहूर मशहूर लेकिन हिंदुस्तानी ऐसे कम से कम दो दर्जन व्यक्ति अपनी नजर में हैं, मैंने गिन के उनको देखा कि जिनको जवानी में हम दुराचारी समझते थे और उनका अनादर करते थे, उनके पास नहीं फटकते थे, उनका तिरस्कार करते थे जवानी में। अब वो महाराज ऐसे आगे बढ़ गए हैं कि उनको देख के उठ के खड़ा होना पड़ता है और प्रणाम करना पड़ता है। तो किसी के जीवन की कोई त्रुटि देखकर, गलती देखकर ये समझ बैठना ये हमेशा के लिए पतित हो गया, ये बिल्कुल गलत होता है। हम भरी सभा में अब उन लोगों का नाम तक नहीं बता सकते हो, भरी सभा में नहीं अपने घर में भी नहीं बता सकते, जिन लोगों का ख्याल था कि ये बड़े पतित हैं और जो आज बड़े बड़े महात्मा के रूप में विख्यात हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आत्मा का, अपने मन का, किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसी का तिरस्कार न हो और अपनी दृष्टि से हम हीन न बने और ईश्वर के साथ हमारे मन की कड़ी जुड़ी रहे, इसके लिए भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें कि देखो साधना तो हमारे जीवन में स्वयं आवेगी। ओम शांति।